खबर फरीदाबाद से। फरीदाबाद में मृतक 8वीं कक्षा के छात्र के परिजनों ने किया मोर्चरी के बाहर हंगामा, जांच अधिकारी पर लगाए गंभीर आरोप। आपको बता दें कि फरीदाबाद में 4 दिन से लापता 8वीं के छात्र का शव मिलने के बाद भले ही पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल बादशाह खान में रखवा दिया हो, लेकिन आज सुबह मृतक छात्र के परिजन और उसके समर्थक सिविल अस्पताल बादशाह खान पहुंचे, जहां पर उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और जांच अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की। हंगामा कर रहे लोगों ने आरोप लगाया है कि समय रहते यदि जांच अधिकारी कार्यवाही करता तो शायद छात्र की हत्या न होती और हत्या के आरोपी फरीदाबाद छोड़कर फरार नहीं हो पाते। साहब, एक आदमी को हमने अरेस्ट कर लिया है, दूसरे के लिए हमारी टीम बिहार के लिए, जिसको हम जल्दी अरेस्ट करेंगे। कितने दोषी बताए जा रहे हैं, कितने नाम सिंगल का है? देखिए, नाम इसमें जो है 3 आरोपियों का लिखा गया है जी, बाकी तो अभी 2 आरोपी अरेस्ट किया है, उसको अभी रिमांड पर लेंगे। चाहिए उसने बहुत लापरवाही किया, आराम ज्यादा ने बहुत मिर्जा, जब भी जाऊँ तो सोया रहता था, कहता क्यों आ रही है, क्यों ले रही है, क्या नाम था उसका? जमशेद खान। उसकी क्या लापरवाही? पकड़वाया तो अभी उसको छोड़ दिया, कह रहा है ये बेचारा है और मेरा बेटा को मार दिए सब। आपने किसको दिया था पकड़ कर? किसको पकड़ कर दिया था? जमशेद खान को दिया थे, उसको चाहिए उस कमीने को हमारे सामने ले आओ, जमशेद खान को। आराम जादे हंस रहा था जब भी मैं जा रही तो हंस रहा था, मेरे बेटे की जान जा रही थी वो हंस रहा था, आराम जादा कह रहा दौड़ दौड़ के यही आ जा रही है, जाके ढूंढना ऐसे बोला था, आराम ज्यादा कमीना कह रहे यहाँ दौड़ दौड़ के क्या आ रही है, ढूंढना पुलिस के भरोसे बैठी है, आराम ज्यादा ने ऐसे बोला, ऐसे पुलिस बात कर रही है, पुलिस आ गई जब देखो जब बोला था, मुझे मिल के आके भाग रहे हैं, फोन नंबर दिया था, मैं फोन कर रही हूँ, फोन उठा ही नहीं उठा रहा, कह रहा फिर जब मैं पैदल चल के आई दूर है। आप थाने के एसएचओ से मिले थे क्या? एसएचओ साहब से मिले थे आप? नहीं, मुझे नहीं मिला यार, रहता ही नहीं था वहाँ पर, कह रहा मुझसे ही बात करना, मैं ही सब कुछ करूँगा। तो कुछ निकल के आया कि बेटे को क्यों मारा, कुछ वजह पता चली? वो तो जो मारने वाला आपके बेटे का दोस्त है। हाँ जी, वो कमीना है, कुत्ता है, छल किया है मेरे बेटे के साथ, छल के उसको पकड़ के लाओ, मैं उसी तरह कूदूंगी, उसी तरह उसको मारूंगी, उसके बाप 4-5 आदमी ने मारा उसी तरह मारूंगी, मुझे इंसाफ चाहिए। आ रहे हैं इनके परिवारजन के आ रहे हैं कि जब इस बच्चे के साथ ऐसी हरकत हो सकती है तो हमारे बच्चों के साथ भी ऐसी हरकत हो सकती है, आपको कहीं ना कहीं स्टैंड करना पड़ेगा और हमारे बच्चों की रक्षा के लिए मैं खुद मैदान में उतरा हूँ इनकी मदद के लिए, और मैं गुहार लगाता हूँ पुलिस प्रशासन से, जिस तरीके से ये दोषी पक्षों का बचाव करती आती है, ठीक है, सजा नहीं देती है उनको और कहीं ना कहीं बचाती नजर आती है, मैं चाहता हूँ आपने जो ये वर्दी पहनी है, पुलिस कहाँ बचाव कर रही है, मामला दर्ज हो चुका है, एक गिरफ्तार हो चुका है, पुलिस लापरवाही कहाँ कर रही है ये बताएं। मैं बताता हूँ, 13 तारीख को इन्होंने एप्लीकेशन दी, 13 तारीख को एप्लीकेशन देने के बाद 14 तारीख को FIR में कन्वर्ट हुई, जो वो भी जनता के दबाव के बाद कन्वर्ट हुई, 14 तारीख को एक बंदा गिरफ्तार किया गया, ठीक है, ऑटो वाला, उस ऑटो वाले को सारी जानकारी दी, उसके ऊपर कोई जानकारी का दबाव नहीं बनाया गया किसी तरीके का, उसको बैठा के आराम से उसको खाना पीना खिलाया गया, अगर वो जवाब दे देता उस दिन तो सारे के सारे उसी दिन पकड़ में आ जाते। दूसरी बात यह है कि जब ये दोषी परिवार के भाग रहे थे यहाँ से अपने घर में ताला मारते हुए, तो पड़ोसी भी गए, लोगों ने फोन किया, आधे लोग घर पे मौजूद रहे कि भाई ताला लगा के जा रहे हैं, और वो उन्होंने बात नहीं मानी और ना ही वहां से कोई आया, डबुआ थाने से कोई भी पुलिस अधिकारी नहीं आया, कोई हवलदार नहीं आया, जिसका एवज में वो लोग यहाँ से फरार हो गए। आईओ का रिस्पॉन्स कैसा रहा इस पूरे मामले में? आईओ का रिस्पॉन्स इसमें नेगेटिव ही नजर आया। जमशेद खान नाम है उसका। हम मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से, अपने CP साहब से, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो लगातार, जैसे मैंने शराबबंदी का करवाया आपने बहुत साथ दिया मेरा, मैं चाहूंगा कि CP साहब ऐसे जो पुलिस अधिकारी हैं जो इस तरीके के दोषियों का साथ देते हैं वो के, और एक और वाक्य मैं आपको बता दूं कि एक पुलिस वाले ने पेट्रोल तक का खर्चा इस 8x10 के कमरे के मालिक से पास है, कल जब वहां पहुंचे 5 नंबर थाने में तो 500 रुपए मांगे, 500 रुपए वहां पे छुटके हाथ में पकड़ा दिए जाते, 500 रुपए
बाद में वहाँ पे चुपके से दे दिए जाते हैं उसको कि भाई ले अपने 500 रुपए पकड़। क्या ये मतलब बच्चे का खोजने के नाम पे पैसे मांगे गए थे? बिल्कुल, पेट्रोल के खर्चे के पैसे मांगे, खोजने के नाम पे मांगे थे ना वो? जी जी। तो क्या लगता है अगर सही समय पे आईयू यानी कि जमशेद कार्रवाई करता तो आरोपी फरार ना हो पाते? कम से कम आरोपी फरार ना हो पाते और बच्चे की लाश की जो दुर्गति हुई है 13 तारीख से जो दुर्गति पड़ी हुई है जंगल में, उसी जगह पे जहाँ पहले इन्वेस्टिगेशन करी गई थी 14 तारीख को, और उसी जगह पे दोबारा जब एसीपी साहब हमारे गए कल जब गए थे तो उन्हें कैसे लाश मिल गई वहाँ? इन्हें क्यों नहीं मिली? ये एक बहुत मतलब मेन मुद्दा है। और दोषियों की मैं बता दूं, उन्होंने मर्डर करा और उसके साथ में जो खालसा गार्डन है जो बिल्कुल ऑन रोड ही पड़ता है उसी गार्डन में उन्होंने पूरी रात बारात में आइसक्रीम बांटी है। अच्छा, ठीक है, वहाँ पे पुलिस बैंड भी खड़ी रहती है अक्सर क्योंकि बड़ा लॉन्ज है वो। तो कुछ कारण पता चल पाया है मारने की वजह? देखिए वो तो ये पुलिस प्रशासन ही बता सकता है। तो हमारी तो शांति सी मांग है सरकार से, ठीक है, इस बार एक तो ये है कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। दूसरा ये कि जिस आईयू ने कराया है वो आईयू और उसके साथ में जो लगे थे इस केस में वो सस्पेंड होने चाहिए। तीसरा, इस बच्चे का परिवार एक छोटा गरीब परिवार है, पीड़ित परिवार है। भारत के संविधान 357A के तहत इस बच्चे को, पीड़ित परिवार को जो है इसको मुआवजा राशि मिलनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मुआवजा राशि इनके ऊपर भी दंड का काम करेगी ताकि आगे संभल के काम कर सके। अभिषेक, ये बच्चा करता काम करता था, पढ़ता क्या करता था? ये बच्चा पढ़ता था, 8वीं क्लास में आया था, बहुत छोटा बच्चा था।